नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। तो आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर क्यों लगा लापरवाही का आरोप। फिर हम जानेंगे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किसे डोज देने की बात कही है। साथ ही बात करेंगे मतदान का आंकड़ा अचानक बढ़ने से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग क्यों कहा है। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे किसने दी हिंदुओं को भागी रहती नदी में बहाने की धमकी। लेकिन सबसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चुनाव में प्रचार के लिए महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को गेहूं की बोरी से लेकर कैश तक दे दिए। केंद्र फडणवीस ने कहा जब पीएम मोदी महामारी के दौरान व्यस्त थे तब एमबीए महाविकास आघाड़ी ने अपनी लूट के लिए मृतकों को भी नहीं बख्शा, कफन चोर है ये। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का वीडियो हुआ वायरल, बोले तृणमूल के बजाय भाजपा को वोट दे। बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम गाली की राजनीति नहीं करते हैं। ओडिशा में पीएम मोदी ने काफी कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में जहां महबूबा मुफ्ती के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राजनीतिक वर्चस्व की जंग है। सोरेन ने कहा कभी सोचा नहीं था कि झामुमो छोड़ना पड़ेगा, पर पति के गुजर जाने के बाद परिवार ने अलग थलग कर रखा था। नेता मनीष सिसोदिया आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, कल सुनवाई होगी। शाह ने कहा राहुल गांधी को पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है, क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा। सीएम योगी का डीप फेक वीडियो बनाने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, पुलवामा हमले पर सीएम योगी की आवाज का इस्तेमाल किया था। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ रांची में नामांकन करेंगे, नामांकन से पहले मोरहाबादी मैदान में जनसभा होगी, शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह। हुए अक्षयम कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सवालों के घेरे में है। अंदर से खबर आ रही है कि बजाय जांच कमेटी बनाने या पर्यवेक्षक भेजने के कांग्रेस मुख्यालय ने प्रदेश के विश्वसनीय नेताओं से इंदौर के मामले पर फीडबैक मांगा है। इंदौर में तो इतिहास में पहला मौका आया है जब कांग्रेस चुनाव मैदान से ही विलुप्त हो गई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कांग्रेसियों ने केंद्रीय नेतृत्व से यह भी कहा है कि पटवारी अपने गृह क्षेत्र में ही चुनाव को लेकर गंभीर नहीं थे। इस बीच प्रदेश में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने भी संगठन को लेकर शिकायत दिल्ली भेज दी है। उम्मीदवार चयन और नामांकन भी गलत प्रदेश के नेताओं ने इंदौर के मामले में संगठन को कटघरे में खड़ा किया है। दिल्ली तक फीडबैक भेजा है कि खजुराहो में गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा निरस्त होने के बाद प्रदेश में अन्य जगह भी ऐसा होने की आशंका थी। इसके बाद तय हुआ था कि कांग्रेस न केवल दमदार उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी लेकिन अपने दमदार उम्मीदवारों को डमी उम्मीदवार के तौर पर भी खड़ा करेगी। नामांकन की जाँच से लेकर उम्मीदवार तक की जाँच पहले संगठन को करना था, बजाय वकीलों के पैनल बनाने के एक अकेले व्यक्ति को नामांकन की जांच का जिम्मा दे दिया है। इसी के चलते डमी उम्मीदवार नामांकन फॉर्म में भी त्रुटि की गई। भोपाल से इस बारे में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चेता भी दिया था लेकिन फिर भी इंदौर पर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। खुद तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे बांटने में लगी है। पीएम मोदी गुजरात के साबरकांठा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि 10 साल पहले एक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था। जब आतंकवादी आते थे तो बहुत बड़ी घटना करते थे, जैसे मुंबई में उन्होंने 26/11 किया। उस समय की कमजोर सरकार डोजियर भेजती थी। उन्होंने कहा कि आज का भारत आतंक के आंकड़ों को डोजियर नहीं डोज देता है और घर में घुसकर मारता है। साथ ही कहा कि हमारी मुस्लिम बहनें वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा शिकार थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम बहनों को सुरक्षा नहीं दी। 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि परिवारों को भी सुरक्षा मिली। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए 3 तलाक की प्रथा नहीं रोकी। मैंने वोट बैंक की चिंता नहीं की, मैं चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करता। कांग्रेस का शहजादा कहता है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर से देश में आग लग जाएगी। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। कांग्रेस जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही वह आज सत्ता प्राप्त करने के लिए निकली है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद मंगलवार शाम को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए मतदान के आंकड़ों में विसंगति पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी को उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कम वोट मिलने की संभावना है वहां मतदान का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है। उन्होंने कहा बीती रात 9:30 बजे मैंने अचानक सुना कि जिन इलाकों में बीजेपी को कम वोट मिले थे वहां 5.75% वोट पड़े, उन जगहों पर अचानक वोट बढ़ गए। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। ममता बनर्जी ने कहा ये आंकड़े
कैसे बढ़ गया, अचानक आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और करीब 19 लाख वोटिंग मशीनें लंबे समय से गायब हैं। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग को बताएंगे, लोगों की शंका को दूर करने के लिए कहेंगे। भाजपा आयोग बनने का कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता आपको एक स्वतंत्र चुनाव आयोग के रूप में काम करते देखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भारी विश्वास मत देने और मत पत्र की वापसी के लिए मुट्ठी भर अपीलों को खारिज करने के एक हफ्ते बाद आयोग ने इस ताजा आंकड़े को पेश किया है। ईवीएम ने वोट डालने की दर को प्रति 4 मिनट वोट तक सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को समाप्त कर दिया है। अदालत ने कहा था कि उन्होंने अवैध वोटों को भी खत्म कर दिया है, जो कागजी मतपत्रों के साथ एक प्रमुख मुद्दा था और अक्सर गिनती प्रक्रिया के दौरान विवादों को जन्म देता था। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, वहीं तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने विवादित बयान दिया है। दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे। बता दें कि हुमायूं कबीर भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कि मुर्शिदाबाद जिले के तहत आता है। साथ ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। बता दें कि हुमायूं कबीर लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। बीते दिनों उन्होंने टीएमसी के बहरमपुर से उम्मीदवार यूसुफ पठान के लिए भी चुनाव प्रचार किया था। सूत्रों के अनुसार टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि तुम लोग हिंदू 70% हो और हम लोग भी 30% हैं। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, यह कभी नहीं होगा। भाजपा को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह कभी नहीं होगा। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में बहा न सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।